पूरे मेंटली तैयार हो जाइए आप। तो हम सबसे पहले करते हैं भस्त्रिका, घुटनों तक करेंगे, एक्सरसाइज के साथ करेंगे, पूरी भाव क्रिया के साथ करेंगे, या श्वास भरते हुए ऊपर छोड़ते हुए नीचे, संपन्न। अभी हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, रुमाल भी साथ में रखिए, कुछ भी श्लेष्मा वगैरह गिरता है तो आप उसे ले सकते हैं, थोड़ा आपको सुविधा होगी, संकोच ना करें। श्लेष्मा गिरता है गिरने दीजिए आप, नाक साफ होता है या कुछ गिरता है तो उसमें गिरने वाला है, क्योंकि इसमें क्लियरिटी होती है। अब हम फास्ट चलेंगे, लेकिन जो मैंने बताया, जिनको हार्ट की तकलीफ हो, दमा हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, वर्टिगो हो, चक्कर आते हो, फिट की बीमारी, वो आराम से करें। अभी जो किया ना मेरा एकदम कंफर्टेबल, इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। अब हम सब फास्ट चलेंगे हम, यस। संपन्न, रिलैक्स, अनुलोम विलोम कर लीजिए, मुद्रा बना लीजिए, अंगूठा दाहिनी नासिका पर, स्मॉल फिंगर बाएं पर, तर्जनी दोनों भ्रुकुटियों के बीच, लेफ्ट से सांस भरें, राइट से छोड़ें, पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। ये एक चक्र हुआ, ऐसे पांच चक्र कर लीजिए, पांच आवृत्ति। मन मन काउंट करते जाएं आप, गर्दन सीधी रखें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, संपन्न। अब हम कपाल भाती करेंगे, 100 टाइम्स करेंगे, 1 सेकेंड, 1 स्ट्रोक, 1 मिनट, 60 स्ट्रोक, आराम से कंफर्टेबल। श्वास भरें, संपन्न। दो बार ओम की ध्वनि कर लेंगे या तीन बार कर लीजिए, श्वास भरें, ओम, ओम।
संपन्न कायोत्सव के लिए सभी तैयार हो जाएं। हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर मेरे साथ साथ बोलेंगे, मैं शारीरिक मानसिक एवं भावनात्मक तनावों से मुक्त होने के लिए कायोत्सर्ग का प्रयोग कर रहा हूं। कायोत्सर्ग की अवधि लगभग 25 मिनट की रहेगी। निद्रा में नहीं जाऊंगा, तंद्रा में नहीं जाऊंगा। पुनः शरण सूत्र के उच्चारण के साथ कायोत्सर्ग से लौट आऊंगा। जो बैठकर करना चाहें आराम से सुखासन में बैठ जाएं। दोनों हथेलियां नाभि के नीचे, बाई हथेली नीचे, दाई हथेली ऊपर। और नहीं बैठ के कर सकते हैं तो कुर्सी पे बैठ के करिए, या फिर लेट के कर लीजिए सब, तो लेट कर आपको अच्छा हो जाएगा। पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर लेट जाइए सभी। और जो लेट कर नहीं करना चाहते वो बैठ कर करें, या कुर्सी पर कंफर्टेबल जैसा उनको जमे वैसा करें। हाँ, दोनों हाथों में लॉक लगाएं, इंटरलॉक। सांस भरते हुए दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाएं, तनाव दें, दें और दें, साथ में मूल बंध का प्रयोग करें। गुदा के स्नायुओं को पूरी ताकत से भीतर की ओर खींचें। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आएं। कायोत्सर्ग की मुद्रा में आ जाएं, पैरों में 1 फीट का फासला। राइट पैर राइट साइड लेटा हुआ, लेफ्ट पैर लेफ्ट साइड लेटा हुआ, दोनों हाथ शरीर के समानांतर 6 इंच की दूरी पर, हथेलियां छत की ओर, आंखें कोमलता से बंद, प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में शीशे की बात भारीपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें। प्रत्येक अवयव में रुई की बात हल्केपन का अनुभव करें। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं, अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक एक साथ शरीर के पूरे आकार में चित्त को फैलाएं। चित्त की यात्रा करें पूरा शरीर, शरीर का एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु ऑटो सजेशन द्वारा सुझाव दें, शिथिल हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं। राइट लेग अंगूठे से कटिभाग तक अंगूठा, एक एक अंगुली, पंजा,
तलवा, एड़ी, एंकिल, काफ मसल्स, नी का पूरा भाग, थाई का पूरा भाग, कड़ी भाग। इसी तरह लेफ्ट लेग की यात्रा करें, शिथिल रिलैक्स। 20 मिनट के लिए अपने शरीर को भूल जाएं, शरीर के प्रति जो ममत्व है छोड़ दें, जिस पैर की यात्रा करते जाएं, शिथिल करते जाएं और उसको भूलते जाएं और आगे से आगे यात्रा करते रहें। क्रमश पेड़ू का भाग, पेट का पूरा भाग, पेट के भीतरी ऑर्गन्स, द किडनीज, द स्टमक, द ड्यूओडेनियम, पैंक्रियाज, द लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक एक भाग में चित्त की यात्रा करें, शिथिल होने का सुझाव दें और उसका अनुभव करते जाएं। शिथिल रिलैक्स रिलैक्स। क्रमश चेस्ट का पूरा भाग, दाएं पसलियां, बाएं पसलियां, दाया फेफड़ा, बाया फेफड़ा, हार्ट का भाग, डायाफ्राम, शिथिल क्रमश पीठ का पूरा भाग, पृष्ठज्जु सुषुम्ना शीर्ष, गर्दन का भाग। अब चित्त को राइट हैंड के अंगूठे पे ले जाएं, अंगूठा, एक एक अंगुली, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधा। इसी तरह लेफ्ट हैंड की यात्रा करें, शिथिल रिलैक्स रिलैक्स। अब चित्त को कंठ के मध्य भाग पर ले जाएं, कंठ का मध्य भाग स्वर यंत्र, क्रमश ठुड्डी, दोनों होंठ, मसूड़ी, एक एक दांत, जिह्वा, तालू, दाया कपोल, बाया कपोल, नाक का पूरा भाग, दाई आंख, बाई आंख, दाया कान, दाई कनपटी, बाया कान, बाई कनपटी, ललाट का पूरा भाग, सिर का पूरा भाग, शिथिल रिलैक्स रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर, पैर की अंगूठों से लेकर सिर की चोटी तक का भाग, एक एक भाग, एक एक पार्ट, एक एक मांसपेशी, एक एक स्नायु, शिथिल रिलैक्स हो गया है, रिलैक्स हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें, शांति और आनंद का अनुभव करें।
अब संकल्प लेंगे सब मने मन पूरी जागरूकता के साथ अपने सब कॉन्शियस माइंड में इस संकल्प को फिट कर दीजिए आप। मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे स्वस्थता प्रदान करेगी। मैं स्वस्थ होने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, मेरी आंतरिक शक्तियां मुझे आरोग्य प्रदान करेगी। इस संकल्प को 3 बार दोहराएं मन ही मन। अनुभव करें अपने चारों चमकता हुआ नीले रंग का प्रकाश खेल रहा है, ब्राइट ब्लू कलर। मयूर की गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग। चित्त को स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाएं, पेड़ का भाग नाभि से 4 अंगुल नीचे, वहां पर चमकते हुए नीले रंग का ध्यान करें। स्वास्थ्य केंद्र पर ब्राइट ब्लू कलर का ध्यान करते हुए मन ही मन मंत्र का उच्चारण करना मेरे साथ साथ। नमो लोए सवसाहूणं, इस मंत्र का उच्चारण करना है आपको। नमो लोए सवसाहूणं, नमो लोए सवसाहूणं। नमो लोए सवसाहूणं। नमो लोए सवसाहूणं। नमो लोए सवसाहूणं। चित्त को आनंद केंद्र पर ले जाएं, आनंद केंद्र हृदय के पास वाला स्थान, दोनों फुफ्फुसों के बीच जो गड्ढा सा है वह है आनंद केंद्र। वहां पर चित्त को केंद्रित करें, अनुप्रेक्षा करें। मेरा मन शांत हो रहा है, इसका उच्चारण अनुचिंतन मन ही मन चलता रहे आपका। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है,
मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन संतुलित हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। श्वास छोड़ते समय चित्त वहां पर केंद्रित करें, अनुभव करें। प्रत्येक श्वास को छोड़ते समय भी जातीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है, पूरा बॉडी का टॉक्सिन बाहर निकल रहा है और मेरे शरीर का कण कण स्वस्थ हो रहा है। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ विजातीय तत्वों का निष्कासन हो रहा है। अनुभव करें अपने चारों ओर स्वास्थ्य के परमाणु फैले हुए हैं, स्वास्थ्य की दिव्य ऊर्जा हमारे चारों ओर फैली हुई है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा। अनुभव करें श्वास लेते समय चित्त को वहां पर केंद्रित करें, प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश हो रहे हैं और शरीर के एक एक ऑर्गन्स को, एक एक पार्ट को, एक एक कोशिका को स्वस्थ बना रहे हैं। प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश हो रही है। पूरी भाव क्रिया के साथ करें, आप मन सहित करें। बहुत जबरदस्त प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान का, ये महत्वपूर्ण प्रयोग है। जागरूकता बनाए रखें, कोई भी निद्रा में ना जाए, तंद्रा में ना जाए, चैतन्य पूरी तरह जागृत रहे। प्रत्येक श्वास के साथ स्वास्थ्य के परमाणु मेरे भीतर प्रवेश हो रहे हैं। आपकी पूर्ण श्रद्धा है, चाहे भगवान महावीर हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान, जिनके प्रति आपकी इच्छा है, निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है, उनका एक मानसिक चित्र बनाएं आप
अपने अपने इष्ट देव का मानसिक चित्र बनाएं, अनुभव करें आपके इष्ट का सुंदर चित्र बन गया है और वो आपके सामने है। आप स्वयं देख रहे हैं अपने इष्ट को अपने सामने, उनसे तादात्म्य जोड़े, अपने इष्ट की प्रतिमा से तादात्म्य जोड़े। बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित प्रयोग चल रहा है, सभी लोग बिल्कुल स्थिर हैं, कुछ लोग हलचल कर रहे हैं वो भी स्थिर हो जाएं। मंदिर में भगवान की प्रतिमा किस तरह स्थिर रहती है उसी तरह आपको स्थिर रहना है, हलन चलन न करना है, बार बार न करें, पूरी स्थिरता बनाए रखें। अपने इष्ट से तादात्म्य जोड़ें, पूरे शरीर में नई ऊर्जा, नई शक्ति, नई एनर्जी का अनुभव करें, पूर्ण स्वतंत्रता, स्वस्थता, आरोग्यता का अनुभव करें। और गहरे में जाए, आपके भीतर विश्वास की अखूट संपदा है उसका उपयोग करें, आपके भीतर शक्तियों का खजाना है उसे खोजें, आपके भीतर आनंद का महासागर हिलोरे ले रहा है उस आनंद का अनुभव करें। चित्त को राइट लेग के अंगूठे पर ले जाएं, अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक चित्त प्राण की यात्रा करें, अनुभव करें शरीर में पुनः चैतन्य का प्रवाह होने लग गया है, विद्युत की धारा बहने लग गई है, प्राण का प्रवाह होने लग गया है। शरीर का एक एक पार्ट एक्टिव होता जा रहा है प्राण के प्रवाह से, राइट लेग, लेफ्ट लेग, पेट का भाग, पेट का पूरा भाग, चेस्ट का भाग, पेट का भाग, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, टुड्डी, चेहरा, सिर सभी एक्टिव हो रहे हैं। दो तीन लंबे गहरे श्वास लें, लंबे गहरे श्वास छोड़ें, श्वास के साथ पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें, धीरे धीरे लंबा श्वास लें, धीरे धीरे लंबा लंबा श्वास छोड़ें, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। आपका उत्सर्ग से पुनः लौट रहे हैं, नए उत्साह के साथ, नई उमंग के साथ, नई शक्ति के साथ, नई ऊर्जा के साथ, पूरे शरीर में सक्रियता का अनुभव करें। हाथों की मुट्ठी बंद खोल करें, हाथों और पैरों की उंगलियां हिलाएं, दोनों पैरों को मिलाएं, बिना आंखें खोले लेफ्ट साइड करवट लेकर दोनों हथेलियों का सहारा लेकर धीरे धीरे बैठने की मुद्रा में आ जाएं। जो बैठ के कर रहे हैं वो अपने आसन को बदली कर लें। आत्मावलोकन करें 15 सेकंड। 10 दिन की यात्रा आपकी कैसी रही? जब आपने इस कैंप में भाग लिया था तो कैसा लग रहा था?
आज कैंप का 10वां दिन अंतिम दिन, आप क्या फीलिंग्स आ रही है आपके भीतर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, कितना एनर्जी लेवल बढ़ा है, कितना वजन घटा है, कितनी बीमारियां कम हुई है, जरा देखें, लेखा जोखा करें सब। ये 10 दिन आपके जीवन के अमूल्य क्षण थे, जरा गहराई में जाके सोचें, हाथ जोड़कर आनंद के अंदर पर। शरण सूत्र का उच्चारण एक साथ बड़ी मधुरता से तन्मयता से मेरे साथ साथ, अरहंते शरणम पवज्जाम सिद्धे शरणम पवज्जाम साहु शरणम पवज्जाम केवली पन्नतं दमं शरणं पवज्जाम। कायु सर्ग और अनुपेक्षा का प्रयोग संपन्न, दोनों अतेले आंखों पर स्थापित, हथेली की ऊर्जा आंखों तक पहुंचे, धीरे धीरे आंखें खोले और बाह्य जगत में प्रवेश। काय सर का प्रयोग संपन्न। थैंक यू पारस जी, थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप सभी के सहयोग से हमारा ये 10 Find up. आप यहाँ दे रहे हैं, बंद कर दिया क्या? नहीं पारस जी, संपन्न करूँ क्या, आगे कुछ कहना है? नहीं नहीं, बस संपन्न कर दीजिए। जय जिनेंद्र सभी को। विशेष ध्यान रखें, दूसरा कैंप शुरू हो तब तक आपको घर पे अभ्यास निरंतर करते रहना है, अभ्यास की निरंतरता से आपके लाभ का प्रतिशत बढ़ेगा, वो आप ध्यान रखें। संकल्प, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत ज्ञान का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, इन सब का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। गुरुदेव के प्रति कृतज्ञोस्मि, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको साधुवाद, धन्यवाद। ओम अरम। सब्सक्राइब करें एडवांस योग बाय पारसमल दुग्गड़ यूट्यूब चैनल को, जिससे आप बीमारियों से रिलेटेड अनेक वीडियो घर बैठे आपको प्राप्त हो सके और जिसको करके आप अपने स्वास्थ्य में 4 चांद लगा सके। इन वीडियो को अधिक से अधिक आगे से आगे शेयर करें।